राजस्थान के जैसलमेर से अगली खबर हम आपको दिखाएंगे। 18 साल बाद बाढ़ आई, भारी बारिश की वजह से कई फीट गहरा जलभराव हो गया। मोहनगढ़ कस्बे में कच्चा मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अब आप कहेंगे कि जैसलमेर में ऐसा, जैसलमेर तो रेत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, रेतीले रेगिस्तान के लिए, तो नहीं, वो आउटर की बात होगी, लेकिन ये जैसलमेर। मोहनगढ़ में कच्चा मकान गिरने से दादा दादी उनके पोते की मौत हो गई, हंसता खिलता परिवार खत्म हो गया। इस खबर के बाद मोहनगढ़ पुलिस ने एहतियातन लोगों को कच्चे मकान छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। बाढ़ग्रस्त इलाके में नाव के सहारे फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये जैसलमेर की तस्वीर है। हालांकि ये सिर्फ एक रोड की तस्वीर है, लेकिन यहाँ से ही खबर है, इस जैसलमेर से ही खबर है कि एक घर जो कच्चा था, मिट्टी का था, वो ढह गया। यहाँ पर देखिए गाड़ियों के हालात यहाँ पर क्या हो गए। कई जगह पर रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, कहीं बाढ़ जैसे हालात है क्योंकि तेज बारिश हो रही है और बहाव इतना तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और फिर जिंदगी जाती है तो फिर परिवार को भुगतना पड़ता है, परिवार परेशान हमेशा के लिए। और यहाँ पर देखिए जिंदगी से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, इतना तेज बारिश है, इतनी तेज बारिश है और इतनी तेज बारिश के बावजूद यहाँ पर मस्ती छा रही है।